नमस्कार। COP23 के बारे में आज हम समझेंगे। बॉन कन्वेंशन जो अभी हुआ था हाल ही में बॉन में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और अगले सप्ताह हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में समझेंगे। तो अब सबसे पहले हम ये समझते हैं, हम अक्सर ये टर्म सुनते हैं COP, CMP, CMA, ये होता क्या है। COP जो है वो सबसे मेजर बॉडी है जो डिसीजन लेती है कन्वेंशन के लिए। CMP जो है वो सबसे मेजर बॉडी है जो डिसीजन लेती है क्योटो प्रोटोकॉल के लिए। और CMA जो हाल ही में आया है वो सबसे सुप्रीम बॉडी है, जो सबसे मेन बॉडी है जो डिसीजंस लेती है पेरिस एग्रीमेंट के लिए। अब इस बार जो बॉन में कन्वेंशन हुआ था उसमें 23rd सेशन था COP का, 13th सेशन था CMP का, सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट सेशन था CMA का, फिर इसके अलावा 47th सेशन था सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस का, और 47th सेशन ही था सब्सिडरी बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन का। APA जो एडहॉक वर्किंग ग्रुप ऑन पेरिस एग्रीमेंट है उसके फर्स्ट सेशन का फोर्थ पार्ट हुआ था। तो ये सारी चीज़ें इस बार के COP में हुई थी। अगर हम COP की टाइमलाइन को समझेंगे तो 1992 में UNFCCC का गठन हुआ और उसके बाद COP शुरू हुई। पहली COP जो थी वो आपकी बर्लिन में हुई थी। छठी COP इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो बॉन में हुई थी, और अभी जो 23rd COP हुई वो वापस बॉन में हुई। तो उस टाइम पे बॉन एग्रीमेंट्स आए थे। तो ना सिर्फ COP 23 इम्पॉर्टेंट है, बॉन एग्रीमेंट्स जो COP 6 में आए थे वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। COP 7 मैराकेश में हुई थी जब मैराकेश अकॉर्ड्स आए थे। 9 COP जो मिलान में हुई थी उसमें IPCC ने एमिशन गाइडलाइंस दी थी। COP 11th मॉन्ट्रियल सबमिट थी जिसमें CMP 1 हुआ था, जो पहला टास्क फोर्स था क्योटो प्रोटोकॉल के बाद। उसके बाद बाली में बाली एक्शन प्लान आया था COP 13 में। फिर पेरू में COP 20 हुई थी, और इस साल बॉन में जो बिथोवन का जन्म स्थल है वहाँ पर वापस से COP 23 कंडक्ट हुई। और अगर हम इसके बारे में समझें तो ये UNFCCC द्वारा बनाई गई है, करवाई जाती है। और जो अगली COP होगी जो 2018 में होगी वो कैटोविच पोलैंड में होगी। अब सबसे मुख्य बात इस COP की ये थी कि ये पहली बार एक स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट, जिसको हम सिट्स भी कहते हैं, ने ये COP की प्रेसिडेंसी की थी। और तो वो देश था फिजी, और फिजी ने कहाँ पर आके प्रेसिडेंसी की, जर्मनी में आके बॉन में प्रेसिडेंसी की। तो ये अपने आप में एक बहुत हिस्टोरिक चीज़ है। अब सिट्स जो है, जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे टापू हैं सबसे ज़्यादा तो क्लाइमेट चेंज के लिए ये प्रोन है। दूसरा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, तो सबसे ज़्यादा खतरा जो वो हो रहा है वो इन छोटे टापुओं पे हो रहा है या छोटे आइलैंड्स पे हो रहा है। तो वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ के लिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने भी स्टॉर्म्स आ रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, वो इन स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। 2 माइलस्टोन्स जो इस टाइम पे किए गए थे, पहला था कि 7,400 सिटीज़ ने मिलके एक ग्लोबल इनिशिएटिव की बात की, और एक नया कॉमन ग्लोबल डेटा स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क बनाया गया ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट रेटिफिकेशंस हुए। पेरिस एग्रीमेंट को सीरिया ने रेटिफाई किया, तो कुल अब 170 देश रेटिफाई कर चुके हैं। दोहा अमेंडमेंट को 6 अलग देशों ने रेटिफाई किया, जिसमें बेल्जियम, फिनलैंड, जर्मनी, स्लोवाकिया, स्पेन और स्वीडन थे। तो कुल मिला के 90 राष्ट्र इसको रेटिफाई कर चुके हैं। इसी तरीके से किगाली अमेंडमेंट को 8 राष्ट्रों ने रेटिफाई किया, और कुल मिला के 19 राष्ट्र इसको रेटिफाई कर चुके हैं। तो अब आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनमें से कौन से देश ने इस बार रेटिफाई नहीं किया था, तो आपको ये नाम पता होने चाहिए। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो 17 गोल्स दिए गए हैं, उसमें से जो 13वां गोल है वो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करता है, और उसके कॉम्बैट, मतलब उसको किस तरीके से रोका जा सकता है और उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करता है। और इस गोल के हिसाब से ये गोल ऐसा है जो बचे हुए 16 गोलों से अपने आप इंटरलिंक्ड है। और हम ये चाहते हैं कि जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है वो 2 डिग्री सेल्सियस से कम पे मेंटेन रहे। जो COP 23 हुआ उसके पहले कुछ चीज़ों की भूमिका बनी, तो वो क्या थी, सबसे पहले हम उनके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले 1 नवंबर को क्लाइमेट पॉलिसी ट्रैकर करके एक ऑनलाइन टूल आया, जिसके द्वारा हम क्लाइमेट पॉलिसीज किस तरीके से सप्लाई चेन को अफेक्ट करती हैं उसके बारे में समझ सकते थे।
31 अक्टूबर को एडगी डिक्लेरेशन की बात की गई, जिसमें ये बताया गया कि रैली करवाई गई और क्लाइमेट चेंज के इशू को और मजबूत किया गया। तो स्टेपिंग अप क्लाइमेट एक्शन एंड गोल टुगेदर इसका मोटिव था। फिर रूटर्स और सीडीपी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की ग्लोबल 250 ग्रीन हाउस गैस एमिटर्स, उसमें ये बताया कि 250 जो मेजर कंपनीज हैं वो लगभग 1/3 ग्रीन हाउस गैस एमिट करती हैं और जो टॉप 15 फर्म्स हैं वो 10% एमिशन की जिम्मेदार हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण गैसप्रॉम और एक्सन मोबिल है। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लाया जा रहा है सौर ऊर्जा में, वायु ऊर्जा में, और जो कटाव है, पेड़ों का कटाव है, डिफॉरेस्टेशन है, उसको रोकने के लिए। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2030 तक हम लगभग 22 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट को रोक पाएंगे। इसके बाद 5 नवंबर को क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट की बात की गई, जो कि नॉन ओईसीडी राष्ट्रों में कम हुआ है पिछले साल के बनिस्बत, तो उन राष्ट्रों में इसको और बढ़ावा दिया जाए, इसकी बात कही गई। फिर HSBC द्वारा $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लाया गया। R20 और ब्लू ऑर्किड फाइनेंस, अफ्रीकन सब नेशन क्लाइमेट फंड ने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए। न्यू क्लाइमेट इकोनॉमिक इनिशिएटिव ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स की बात की और ये बोला कि हम इसको अब बढ़ा के लगभग 6 ट्रिलियन पे ले आएंगे, डबल करके लगभग 6 ट्रिलियन पे ले आएंगे 2030 तक। कमोडिटीज़ एंड फॉरेस्ट एजेंडा 2020 की बात हुई, जिसमें 10 प्रायोरिटी एरियाज़ की बात की गई और FAIRR में लगभग $4 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट की बात कही गई। और उन्होंने बोला हमारा मुख्य उद्देश्य फैक्ट्री फार्मिंग है, तो हम कारों की बनस्पत गायों को महत्व देंगे और लाइफ स्टॉक या पशुपालन पर फोकस किया। अब अगर हम उसका समरी देखें जो COP हुआ था, तो ये कुछ आपके मुख्य फोकस एरिया रहे थे, एनर्जी, पानी, कृषि, समुद्र, यातायात, उद्योग और जंगल। पर इसके बाद भी जो हाई लेवल डेज थे उसमें प्रमुख उद्देश्य था कि इन सबको करने के लिए फाइनेंस कहाँ से आएगा, क्या क्या नए तरीके हो सकते हैं और किस तरीके से हम रेजिलियंस बढ़ा सकते हैं। तो अमेरिका का जो रोल था इस बार वो बहुत एम्बिगुअस था, क्योंकि उसने कुछ भी अपनी बात सही से नहीं रखी और उसने मोटा मोटा ये कहा कि हम जो है डिफ्रेंसिएशन या बाइफर्गेशन के लिए लड़ना चाहते हैं और उससे बेनिफिट ये होगा कि जो NX1 देश हैं, जो डेवलप्ड राष्ट्र हैं और बचे हुए UN के राज्य हैं, उनके बीच में जो फाइट है उसको हम देखना चाहते हैं। सिट्स की बात कही गई, फिर अडॉप्टेशन और मिटिगेशन की बात कही गई। जब हम मिटिगेशन की बात करते हैं तो हम मुख्यतः उसके कारणों पर फोकस करते हैं, जब हम अडॉप्टेशन की बात करते हैं तो हम मुख्यतः उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है उस पर फोकस करते हैं। बहुत सारे सेशंस हुए कि अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो क्या क्या लॉस हो सकते हैं, क्या क्या डैमेज हो सकते हैं, इकोनॉमिक लॉसेस क्या होंगे, नॉन इकोनॉमिक लॉसेस क्या होंगे और वो किस तरीके से क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़े हुए होंगे। हमने तलोना डायलॉग की भी बात की। तलोना जो है फिजी का शब्द है और फिजी में एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसमें हम ये कहते हैं कि हम किसी भी एक दूसरे को किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, हमें सबको मिलकर इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक पार्टिसिपेटरी और ट्रांसपेरेंट डायलॉग होगा। अब इसमें pre-2020 और post-2020 दो चीज़ों की बात कही गई। pre-2020 में उन राष्ट्रों की बात कही गई जो मुख्यतः डेवलप्ड राष्ट्र थे और जो क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा अपने एमिशंस मिटिगेट करने की बात करते हैं। post-2020 में हमने सारे राष्ट्रों की बात की, डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों ही, जो कि पेरिस एग्रीमेंट में आते हैं। अब क्या क्या प्रमुख बातें हुई, सबसे पहले सिड्स के बारे में बात हुई कि जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं उनकी सेहत अच्छी रहनी चाहिए, वहाँ पर कोई भी आपातकालीन सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। अमेरिका का जो प्लेस था जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को साथ में लाने की बात हुई वो कही। फिर एक इम्पॉर्टेंट था फास्ट कोल अलायंस को पावर करना। अब इसमें क्या था कि कुछ राष्ट्रों ने ये बोला कि हमने जो ट्रेडिशनल कोयले के द्वारा चलाए जाने वाले थर्मल प्लांट्स हैं उनको पूर्णतः बंद कर दिया है और कोई भी नए प्लांट आने पर रोक लगा दी है। अभी तक 25 राष्ट्रों ने इसके बारे में कार्य किया है, पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल तक ये बढ़ के 50 राष्ट्र हो जाएंगे। C40 मेयर्स जो हैं, जो 25 बड़ी सिटीज़ हैं, उन जो लगभग 150 मिलियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, वहाँ के मेयर्स ने बोला कि हम क्लाइमेट एक्शन प्लान्स लाएंगे जो 2020 तक कारगर होंगे।
और 2050 तक हम इनको न्यूट्रल या क्लाइमेट रेजिलिएंट शहर बनाने की कोशिश करेंगे। ग्लोबल अलायंस फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन आया जिसने बिल्डिंग्स बनाने में किस तरीके से क्लाइमेट रेजिलिएंट अप्रोच काम में ली जा सकती है उसकी बात की। बिलो 50 में हमने सस्टेनेबल फ्यूल्स की बात की। इको मोबिलिटी अलायंस में हमने सस्टेनेबल यातायात या ट्रांसपोर्ट की बात की। ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव में हमने शहरी ट्रांसपोर्ट या शहरी यातायात की बात की। ओशन पाथवे पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका मेन था। आपको ज़्यादातर जगह जहाँ COP की समरी मिलेगी ये नहीं मिलेगा। ओशन पाथवे पार्टनरशिप ये बताता है कि किस तरीके से जो सिड्स राष्ट्र हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, जो ओशन है उसमें सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो ओशन में जो कोरल ब्लीचिंग हो रही है, वेल्स की ब्लीचिंग हो रही है, उन सब चीज़ों को फोकस करना ज़रूरी है। तो कार्बन एमिशन, कार्बन एब्जॉर्प्शन, कार्बन सिंक, जो ओशन सबसे बड़ा कार्बन सिंक है उसकी हमने बात की। फिर ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन में हमने किस तरीके से जंगलों की रक्षा की जा सकती है और किस तरीके से उनको बढ़ाया जा सकता है उसकी बात की। कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट में हमने ये बोला कि लगभग 900 बिलियन जो है हर साल का टर्नओवर जो है डिफॉरेस्टेशन से जनित कमोडिटीज़ जो है उन पर लिंक्ड है, जैसे सोया, पाम ऑयल, कैटल या टिम्बर। 15% ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो डिफॉरेस्टेशन के द्वारा होता है, और अगर जंगलों को बचाया जाए तो लगभग हम 33% तक इस इशू को रोक सकते हैं। ओशन पाथवे की हमने ऑलरेडी बात की कि किस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट है, और अलग अलग पार्टीज़ इसके साथ जुड़ी हुई हैं इसको स्ट्रेंथन करने के लिए। UN स्पेशल एनवॉय फॉर ओशन भी स्थापित हुआ है। अब कुछ कॉरपोरेट एफर्ट्स हैं, जैसे मार्स कंपनी ने कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करने की बात की है 27% 2025 तक और 67% 2050 तक। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है हम 75% अपना कार्बन एमिशन कट कर देंगे 2030 तक। ईवी हंड्रेड्स ने इलेक्ट्रो मोबिलिटी की बात की है। वॉलमार्ट ने ये बोला है कि हम उन सभी कमोडिटीज़ को रोक देंगे जहाँ से डिफॉरेस्टेशन बढ़ता है। लॉरेल ने ये कहा है कि हम डिफॉरेस्टेशन, ज़ीरो डिफॉरेस्टेशन 2020 तक एम करते हैं, और इसके लिए जो हमारा 100% पाम ऑयल डेरिवेटिव यूज़ होता है उसको अब हम उन्हीं सोर्सेज से लेंगे जो कि राउंड टेबल और सस्टेनेबल पाम ऑयल पे दिए गए हैं। फिर टेट्रा पैक ने ये कहा कि जितने भी पेपर बोर्ड बनते हैं उनको हम सिर्फ उन्हीं एरियाज से लेंगे जहाँ पे परमानेंट फॉरेस्ट कवर है। तो ये सारे इश्यूज अलग अलग कंपनियों द्वारा किए गए। अब जैसा कि हमने कहा, फाइनेंस एक बहुत बड़ा इशू है। अगर हम चाहते हैं कि हम क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हों, तो क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने के लिए हमारे लिए फाइनेंस बहुत महत्वपूर्ण है। तो फाइनेंस को समझाने के लिए इंश्योर रेजिलियंस इनिशिएटिव लाया गया जो जर्मनी का था, उसमें $125 मिलियन का फंड दिया गया लगभग 400 गरीब और वल्नरेबल लोगों को 2020 तक। फिर एडॉप्टेशन फंड आया जर्मनी और इटली की सहायता से। जर्मनी और ब्रिटेन ने अमेजोन के जंगलों में कार्य की बात की। नॉर्वे और यूनिलीवर ने रेसिलियंट डेवलपमेंट की बात की सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने फिजी की वाटर अथॉरिटी के साथ काम किया। 2016 में फिजी में साइक्लोन विंस्टन आया था जो कि दुनिया का दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग या सबसे बड़ा साइक्लोन था, सबसे बड़ा तूफान था, और इस तूफान का मुख्य कारण उस समय क्लाइमेट चेंज माना गया था। तो इसके लिए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को किस तरीके से अच्छा बनाया जा सकता है और वेस्ट वाटर का किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है फिजी में, उसके लिए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक सामने आई। फिर ग्रीन क्लाइमेट फंड और यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट सामने आया जिसने कृषि को और अच्छा बनाने के लिए, रेजिलिएंट बनाने के लिए इनिशिएटिव्स लिए। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के राष्ट्रों में इनिशिएटिव 20x20 लाया गया जो कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का इनिशिएटिव था। UNDP, जर्मनी, स्पेन और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर पेरिस एग्रीमेंट में जो राष्ट्र थे उनके साथ काम करने की बात की। नेशनली डिटरमिंड कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात की गई पैसिफिक राष्ट्रों में। लगभग 13 राष्ट्र और IEA ने मिलकर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम की बात की कि किस तरीके से हम दुनिया भर में क्लीन एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं जिससे एटमॉस्फेयर को या वातावरण को कम से कम नुकसान हो। यूकेडोर ने लगभग 15 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम करने की बात की। गैबॉन के नेशनल पार्क सर्विस ने जितनी भी इलीगल कटाई होती थी जंगलों की उसको रोका ताकि 20 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइ इक्विवेलेंट रोका जा सके।
इसी के साइट में जो COP हुआ था उसी के साथ में एक सस्टेनेबल इनोवेशन फोरम शुरू किया गया। जैसा कि हमने कहा इनोवेशन एक मेन इशू था, तो 600 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था 152 देशों से और ये रेटिफाई किया गया था पेरिस एग्रीमेंट में। इसमें मुख्य बात की गई थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन एनर्जी दे सकें, लो कार्बन ट्रांसपोर्ट की बात की गई थी और फाइनेंस सॉल्यूशंस की बात की गई थी इंटेंशनली नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस को मीट करने के लिए। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी जो COP 23 में हुई। हम अगली कक्षा में अगला टॉपिक करेंगे जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। आप इस चैनल पे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।